नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेडियो पर लोगों से मन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेडियो से जुड़े लोगों को आकाशवाणी से निकाला जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर दो दिन से ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों की मांगे है कि आकाशवाणी के विभाग से हम लोगों को निकाला जा रहा है। हम लोगों ने 20-25 सालों से आकाशवाणी में काम किया है, आज हमें बिना किसी कारण के क्यों निकाला जा रहा है। कैजुअल अनाउंसर एंड कैंपेयर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा पिछले कल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला हुआ है और अभी जो है हम महानिदेशालय की ओर जा रहे हैं। कल से लेकर के हमारी ये मांगे कि महानिदेशालय हमारी बात को नहीं सुन रहा है। पिछले कल हमारी दिनेश जी से बात हुई थी प्रसार भारती में ADG से, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वो DG से हमारी मुलाकात करवाएंगे। और हमारी जो मांगे हैं, मांगों में सबसे पहली मांग जो है वो नियमितीकरण की है, जो पिछले कई सालों से चली हुई है। इसके अलावा और भी कई सारी मांगे हैं, जिसमें हमारे जो साथी है कोर्ट में गए हैं, कैट में गए हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ड्यूटी नहीं लग रही है। और ये कोर्ट में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें इनकी यथावत ड्यूटी है जो लगाई जाए, लेकिन इनका कहना है कि भी अगर आप कोर्ट में गए तो आप ड्यूटी भी कोर्ट से ले लीजिए। देखिए, ये कोर्ट की भी इतनी अवमानना कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर कोर्ट में आप गए हैं, ये स्टेटस कोल या है रीस्क्रीनिंग के खिलाफ, हमने उसका विरोध किया है कि हम रीस्क्रीनिंग नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से हम रेडियो में सेवाएं दे रहे हैं और हमारी रीस्क्रीनिंग रोज होती है। जब रेडियो में हम कार्यक्रम देते हैं तो हमारी रीस्क्रीनिंग होती है, क्योंकि श्रोता हमें सुनते हैं और वो एकदम कहते हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था, हमें बहुत बेहद पसंद आया, तो हम इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और हमारे अधिकारी भी सुनते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं इस कार्यक्रम की। लेकिन इनका कहना है कि भाई जो पुराने लोग हैं उनकी आवाज़ सिंह ठाकुर, सचिव यूनियन का। देखिए, एक बात सच्चाई जो आपके माध्यम से सब तक जा सकती है, सरकार तक जा सकती है। एक तरफ तो सरकार कह रही है स्किल इंडिया की बात, स्किल इंडिया। दूसरी तरफ ये आकाशवाणी का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ से सूचना एवं प्रसारण की नीति पूरे ना सिर्फ देश में पता चल रही है बल्कि दुनिया को पता चल रही है, हमारे देश की प्रसारण व्यवस्था आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से। यहाँ पे जो स्किल इंडिया की जो अपना नीति है, उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जन जन तक लेके जा रही है। लेकिन यहाँ जो स्किल्ड लोग हैं, ना सिर्फ स्किल्ड है, मल्टी स्किल्ड है, कई सारी उसमें एक साथ काम करते हैं और वर्षों से अनुभवी है, मैनी ईयर एक्सपीरियंस्ड है, उनको एक षड्यंत्र के तहत ये सरकार बाहर कर रही है, तो धोखा कर रही है। एक तरफ बोले स्किल इंडिया, एक तरफ जो है ना स्किल्ड लोगों को बाहर कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति है ये सरकार, सिर्फ इस आड़ में कि प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन देश के कानून व्यवस्था जो है ना, तो सबके लिए एक जैसी है। प्रसार भारती या रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट है तो हमारे जो देश की नीति एक जैसे ना, तो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं एक नीति बने, रेगुलाइजेशन हो सबकी। जब सब जगह इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उनको